Assalamu alaikum, my name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आप पढ़ रहे हैं गोहर सोशल स्टडीज जो कि क्लास 4 के लिए हम हैं चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी पे और उसका पार्ट पढ़ रहे हैं 5F जिसके अंदर हम पॉपुलेशन के हवाले से पढ़ रहे थे. आज हम उसको फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे कि ओवर पॉपुलेशन होने की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी जब आबादी बढ़ जाती है तो उसकी क्या मुश्किलात होती हैं. तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ. इफ़ द नंबर ऑफ पीपल पॉपुलेशन ऑफ एनी सिटी और कंट्री गेट्स हायर देन द अवेलेबल रिसोर्सेज दिस इज कॉल्ड द ओवर पॉपुलेशन. फॉर एग्जाम्पल इफ अ हाउस इज इनफ फॉर 10 पीपल बट 20 पीपल आर लिविंग इन द हाउस That means the house is overpopulated. Or if a school building has a capacity of 100 students but 250 students are studying in the school, that means the school is overpopulated. In an overpopulated house or in an overpopulated school there could be many problems. आप इसको और इजी करके लीजिए, और इजी एग्जांपल लीजिए. अगर आपके पास जो है वो घर में आपके किसी कमरे में जो है वो सिंगल बेड है और आप जो है वो दो लोग उस पर या तीन लोग उस पर सो जाते हैं, दैट मीन्स कि वो आपका ओवर पॉपुलेटेड हो गया. आप उस पर नहीं ना सो सकते, आप उस पर नहीं बैठ सकते. आपके पास एक सोफ़ा है जिसके ऊपर कैपेसिटी है सिर्फ तीन लोगों के बैठने की, उस पर पाँच लोग बैठ जाएंगे तो वो एडजस्ट नहीं हो सकते. इसी तरह एक घर है उसमें 10 लोग रहने की कैपेसिटी है, 20 लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं तो वो आपके लिए भी मुश्किल है, आपके लिए भी जाहिर सी बात है बहुत सारी मुश्किलात पैदा होंगी. इसको हम ओवर पॉपुलेशन कहते हैं. इन एन ओवर पॉपुलेटेड हाउस पीपल हु आर लिविंग इन द हाउस कैन नॉट हैव इनफ स्पेस टू लिव विद रेस्ट एंड पीस. दे नीड मोर मनी टू स्पेंड ऑन डिफरेंट नीड्स, फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, etc. दे कैन नॉट हैव इनफ प्राइवेसी. व्हेन पीपल नीड मोर फूड, क्लोथिंग एंड एजुकेशन Everything gets more expensive. अगर आप एक घर है 10 लोग है, रहने की कैपेसिटी है 20 लोग रहते हैं, इसका मतलब आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, खाने के भी, रहने के भी, पहनने ओढ़ने के भी, इसके अलावा आपकी एजुकेशन के भी. फिर आपकी प्राइवेसी भी जो है वो भी डिस्टर्ब होती है. इसके अलावा जो आप लोग हैं, इसके मतलब है कि अगर आपका खाना पीना बढ़ गया, खाने पीने या फिर आपकी एजुकेशन का खर्चा बढ़ गया, दैट मीन्स चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी. In an overpopulated school, students cannot have equal attention from the teacher. The classrooms are crowded. Students need more washrooms, more teacher, and more classrooms. Students cannot pay attention to their studies. The school is noisier. सो एजुकेशन गेट मोर एंड मोर एक्सपेंसिव. ओवर पॉपुलेटेड स्कूल क्या होगा, टीचर भी उस तरह से तवज्जो नहीं दे पाएगी, जो क्लासरूम है उसमें बहुत ज़्यादा हजूम हो जाएगा, आपको ज़्यादा वॉशरूम्स की ज़रूरत होगी, टीचर्स की ज़रूरत होगी, क्लासरूम्स की ज़रूरत होगी. इसके अलावा बच्चे जो है वो अटेंशन पे नहीं कर सकते अपनी स्टडीज़ पे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो जब बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा उन्हें समझ ही नहीं आएगा, फिर वो नॉइज़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से तमाम जो एक एजुकेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. Just like that, if a city or a country is overpopulated, then the same kind of problems happen in the city or a country. There are many problems possible due to overpopulation. Some of them are hair blow. अच्छा जी, अगर इसी तरह आपकी कंट्री में भी अगर जितने लोगों के रहने की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हो जाएंगे तो यही प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ेंगी. और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और वो कौन सी होती हैं उसे हम डिस्कस करेंगे. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.